लाफ्टर शेफ से चोट लगने के बाद हो चुकी है सुदेश लहरी की एग्जिट। जी हाँ दोस्तों, सुदेश लहरी जो हैं शो से बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने शो से एग्जिट ले लिया है। और अब उनकी एग्जिट के बाद उनकी पार्टनर निया शर्मा का रो रो कर हो गया है बुरा हाल। वेल, सुदेश लहरी को जो है पिछले हफ्ते चोट लग गई थी शो में, और ऐसे में चोट लगने के बाद उन्होंने अब शो से एग्जिट ले लिया है। अब उन्होंने एग्जिट क्यों लिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, और साथ ही साथ निया शर्मा का क्यों हुआ है बुरा हाल सुदेश लहरी के एग्जिट के बाद, चलिए ये सारी की सारी बातों के बारे में जो है आज हम बात करते हैं और आपको जो है इन सारी सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दिनों लाफ्टर शेफ फन अनलिमिटेड शो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्योंकि शो जो है काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, ये तो अलग बात है। उसके अलावा शो में जो है काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं, चाहे वो रिम का फेस जलना हो या फिर राहुल वैद्य के साथ हादसा हो, और अब सुदेश लहरी जी के साथ भी जो है पिछले हफ्ते एक हादसा हो गया था, जब फन में जो है मजाक में जो है निया शर्मा जो है सुदेश जी को धक्का देती हैं और इसी वजह से उनके घुटनों में चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। और साथ ही साथ ऐसी खबरें आ रही है कि उन्हें चाकू भी लग गया था गलती से निया के थ्रू। और ऐसे में सुदेश लहरी जो हैं उन्होंने शूटिंग जो है जारी रखी थी, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि सुदेश लहरी जो हैं अब आगे शो नहीं करना चाहते हैं, चोट लगने की वजह से अब जो है वो शो से ब्रेक चाहते हैं और इसी वजह से शो में से उनकी जो है एग्जिट हो रही है, क्योंकि अब शो जो है ज़्यादा दिन नहीं आने वाला, कुछ ही एपिसोड शो के बचे हैं, शो जो है वो बंद होने वाला है, ऑफ एयर होने वाला है। लेकिन सुदेश लहरी जो हैं शो का एक अटूट हिस्सा थे और उनके शो से एग्जिट लेने के बाद अब निया शर्मा जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई हैं। आप आने वाले एपिसोड में भी देखेंगे कि निया शर्मा जो हैं सुदेश के लिए रोती हुई नज़र आएंगी, सुदेश जी से माफ़ी मांगती हुई नज़र आएंगी। और साथ ही साथ निया शर्मा ने जो है अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था सुदेश जी के लिए कि वो उन्हें मिस करेंगी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि भले ही निया शर्मा और सुदेश लहरी की बॉन्डिंग को नोकझोंक वाली और दिखाया गया है शो में, लेकिन रियलिटी में दोनों की बॉन्डिंग जो है काफ़ी अच्छी हो गई थी शो के दौरान, और इसी वजह से अब निया जो है अपने पार्टनर सुदेश लहरी के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी है। हम तो यही चाहते हैं कि शो जो है एक अच्छे नोट पर ख़त्म हो और सुदेश लहरी जी जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपको शो कैसा लगता है, शो में कौन आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं, प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं।